You need to just confirm that the things are okay so that we can go ahead. That means साउंड आपको आ रहा है और सुनाई दे रहा है, ये स्क्रीन प्रॉपर है? सो एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? यस सर। ओके थैंक यू देन। सो यू आर देयर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ रहे थे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानकारी ली, पर्टिकुलरली मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर स्टार्ट किया था। उससे पहले मीटर बेस पढ़ा, वी टेस्ट ऑन बेस पढ़ा आपने। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जस्ट टू मेक यू प्रैक्टिस, एक छोटा सा क्वेश्चन पिक कर लेते हैं और उसका आंसर दे करके फिर आगे बढ़ेंगे। आपको एक अरेंजमेंट ऐसे बना के देगा कि जैसे दिस इज अ कंडक्टिंग वायर हैविंग रेजिस्टेंस और सम सॉर्ट ऑफ दिस कनेक्शन इज देयर, मे बी लाइक वन रेजिस्टेंस इज देयर, अनदर रेजिस्टेंस इज देयर। This wire is AB and there's a galvanometer. This galvanometer connects over here. किसी C point पर connect करता है, साथ ही साथ आपने इस पर battery network से connect कर रखा है। यहाँ पर resistance भी हो सकता है और ये कोई resistance है, ये कोई EMF है जिसको हम लोग external source बोलते हैं, बाहर का source है और generally उसका use नहीं रहता है। और लेट्स से कि ये जो वैल्यू है अपने को दिया गया है 5 ओम है एंड दिस वैल्यू इज लेट्स से 10 ओम। ओके लेट इट बी सो। क्वेश्चन इज ये मीटर ब्रिज है, फाइंड लोकेशन of C if it is if it is null point for the given meter bridge. So इस given meter bridge के लिए अगर वो null point होगा तो उसकी location बताइए। सो पॉइंट इज कि वो मीटर बेस का जो कॉन्सेप्ट है उसी को आपको अप्लाई करना है। एक अननोन, दूसरा अननोन क्वांटिटी इंट्रोड्यूस कर दिया उसके बारे में। गुड, सो आंसर 33 पॉइंट यानी 1/3 पोजीशन पर आ रहा है। सो इस पर जो भी चेंजेस करके क्वेश्चन पूछेगा तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछ पाएगा, यू नो द रीजंस कि सिंपल है। सो लोकेशन बताना है तो किसी एक रेफरेंस से बताना होगा, या तो ए से बताइए या फिर बी से बताइए, चॉइस आपकी है। मीटर ब्रिज है इसका मतलब है कि ये 100 सेंटीमीटर रहा होगा, ये गारंटीड है। सो आप इसको एक्स एज्यूम कर लीजिए। सो जो बचा हुआ होगा वो 100 माइनस एक्स हो जाएगा, जहां पर एक्स सेंटीमीटर पर है। देन आफ्टर इट्स अ बैलेंस बीटी स्टोन ब्रिज, दैट्स ऑल। तो आप बोलोगे कि जो अपना रूल रहता है, इसको पी अगर का होता है, इसको क्यू बोला होता है, तो पी बाई क्यू का जो रेशियो होता है वो ए सी लेंथ, दैट मीन्स एक्स लेंथ डिवाइड बाई 100 माइनस एक्स होता है। वो जो एंड करेक्शन हम लोगों ने बात किया था उसको हम लोग तब तक यूज नहीं करेंगे जब तक वो पूछता नहीं है। दैट मीन्स अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला है एंड करेक्शन के बारे में तो हम लोग बोलेंगे देयर इज नो करेक्शन। तो जब तक वो डेलिबरेटली उस पर बात नहीं करता है आप साइलेंट रहेंगे। नाउ दिस इज 5, दिस इज 10, दिस हैज टू बी आइडेंटिफाइड एंड दिस इज समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स 1/2 बेसिकली। सो ट्वाइस एक्स कम्स एज 100 माइनस एक्स, सो थ्राइस एक्स बिकम्स 100, so x becomes 100 by 3 centimeter.
That's done. So we can identify the location of the null point, or if the location of the null point is known to us, we can identify the unknown resistance. Okay, so that's a meter brace. सभी ने निकाल लिया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब हम लोग पोटेंशियोमीटर पे आते हैं. पोटेंशियोमीटर हम लोग लर्न कर रहे थे. कुछ आइडियाज मैंने दिए कि किस पर वर्क करता है, किस पर बेस्ड होता है और क्या क्या पर्पस होता है उसका. भी अरेंजमेंट को सिमिलर टाइप का होता है. हम एक वायर यूज करते हैं यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का. यहाँ पर भी आप देखो ना, कुछ चीजें इनहेरेंट होती हैं. जैसे उसने नहीं बताया क्वेश्चन में कि ये यूनिफॉर्म वायर है, हम मान के चलेंगे वो यूनिफॉर्म वायर है मीटर ब्रिज में. Until and unless question deliberately comes brings things कि like वो non uniform है, उसके end corrections हैं, तो जब वो पूछेगा तो उन सारे points को हम लोग use भी करेंगे. Okay. So let me put heading again, potentiometer. I told you this is most popular one. Couple of years में back में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे questions आते हैं. सो ऑलमोस्ट एवरी पेपर में आपको इक्वेशन मिल जाएगा. सो अगर इसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगा कि ये आपका यूनिफॉर्म वायर होता है ए और बी. तो हम वायर और भी बनाते हैं साथ में, ठीक है. आपको ये डिफ्रेंशिएट करना है कि ये जो वायर है एक स्पेशल वायर है, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस काउंट करना है. बाकी जो कनेक्टिंग वायर लगा रहा है वो आइडियल वायर्स हैं, उनका रेजिस्टेंस काउंट नहीं करना होता है. सो इसीलिए ए बी को हम थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दे रहे हैं, और एग्जाम में भी आपको यही फॉलो करना है. फिर आपने क्या करना था कि इसको एक सर्किट से कनेक्ट किया था, कुछ बैटरी वैटरी रहेगा, कुछ रेजिस्टेंसेस रहेंगे, कुछ जो भी है, और ये एक्सटर्नल सोर्स है. हम लोग उसको कम ही बॉदर करेंगे. कई बार क्या होगा, वो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन देगा, जब देगा तो उसको हम यूज भी करेंगे. फिर इसके बाद इसके कनेक्शंस बनाएंगे. आपको स्क्रीन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो मैं इसको रिसॉल्व करने के लिए एक बार रीशेयर करता. Check whether it's okay now. So ये जो external source की information है, many a time question में external source की information देगा तो हम उसको use कर लेंगे. और ये resistance आपको दिया होगा, let's say वो RH है या कुछ और है, कितना है वो अपने हिसाब से बताएगा. इसका भी अपना एक resistance आएगा. तो अगर total current निकालनी हो तो हम current निकाल सकते हैं. तो लेट्स से कि इस पर करंट आई जा रहा है, ये करंट आई इसके हर एक पार्ट से जाएगा, वापस चला जाएगा. लेट ए बी वायर हैज रेजिस्टेंस आर. तो ये जो R होगा वो ए बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा. तो किसी छोटे से पोर्शन का अगर रेजिस्टेंस निकालना होगा तो हम उस लेंथ के प्रोपोर्शन से बता सकते हैं. अच्छा, ये I कितना आएगा, किस क्या इस I को हम लोग सेटल कर सकते हैं? बिल्कुल सेटल कर सकते हैं. क्या इस I की वैल्यू आ जाएगी, एक किरचॉफ्स लॉ बता देगा जिसमें आपको E लगाना होगा डिवाइड बाई टोटल रजिस्टेंस आर प्लस आर एच. मैंने इसका नाम आर एच दिया हुआ है, रियो स्टेट जैसा, आप कुछ और भी दे सकते हो. तो किसी भी इंस्टेंट पर करंट निकालने के लिए यहाँ से करंट अपने को पता चल जाएगी, ठीक है. इसका मतलब जब कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन अपने को पता हो तो हम करंट निकालने में कैपेबल हैं, एज लॉन्ग एज वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, एंड दैट विल बी नोन टू यू. नाउ अब इसको किस पर्पज के लिए यूज करना है उसके हिसाब से अपना अरेंजमेंट अलग बनाते हैं. तो एक तो ये सर्किट हमेशा रहेगा, उसके साथ यहाँ पर एक एसोसिएटेड सर्किट होगा. ना अब वो नीचे सर्किट बनाता है, हो सकता है इसको नीचे बना दे, इसको ऊपर बना दे, तो उसके लिए आपको बॉदर नहीं करना है. दो सर्किट्स रहेंगे, वायर के एक तरफ एक, दूसरा तरफ एक. ये जो दूसरा सर्किट बनने वाला है ना, या इसका पोर्शन बनने वाला है, ये इस पर इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस पर्पज़ के लिए हमको यूज़ करना है. क्या हमको एज ए ई एम एफ कैलकुलेशन के लिए यूज़ करना है,
बैटरीज के कंपैरिजन के लिए यूज करना है या इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है, अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करते हैं. सो हम सभी केसेस को अलग से डील कर लेते हैं. सो लेट्स से पहला इसका एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ और टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ और व्हाटएवर यू नेम इट, पोटेंशियल डिफरेंस. सो अगर हम पोटेंशियोमीटर को पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज से पोटेंशियल मेजर करने के लिए यूज करते हैं तो कैसा बनेंगे? लेट्स से अपने पास एक बैटरी है और बैटरी का अपने को ईएमएफ चाहिए. सो अगर अपने पास एक बैटरी है उसका अपने को ईएमएफ पता करना है तो व्हाट वी कैन डू इज कि दो बैटरी चूज करेंगे सर्किट में बनाता पहले कैसा दिखेगा. एग्जाम में कई बार क्या करता है वो सर्किट को अपीयरेंस बदल देता है बट क्रक्स पॉइंट विल नॉट चेंज. व्हाट आर द मेन पॉइंट्स? ए बी वायर विल बी देयर. उसकी लेंथ क्या होगी वहाँ पे स्केल लगा के बताएगा कितना लेंथ है. इट कुड बी 1 मीटर मोर देन लेस देन 1 मीटर तो कुछ भी हो सकता है. फिर इसका अपना एक सर्किट रहा होगा तो उस सर्किट को कंप्लीट कर लेते हैं. वो सर्किट अगर यूज कराना चाहेगा तो उसको इम्पोर्टेंस देगा, नहीं यूज कराना चाहेगा तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं देगा. लेकिन सर्किट होना जरूरी है क्योंकि वो करंट सप्लाई करेगा. इन केस अपने को बैटरी का ईएमएफ निकालना है तो डाउनसाइड सर्किट डाउनसाइड वाले पोर्शन में हम दो बैटरीज को यूज करेंगे, एक वो जो हमको पता करना है, एक वो जो हमको पता है. सो देयर विल बी वन नोन बैटरी एंड वन अननोन बैटरी. कुछ ऐसा सर्किट ड्रॉ करके दे सकता है आपको. लेट्स से कि जो अपने को पता करना है वो ई एक्स, एक्स मतलब अननोन वाली बैटरी है, अननोन ईएमएफ है या पोटेंशियल डिफरेंस है उसको जो पता करना था. एंड वी गॉट अ नोन बैटरी जिसकी वैल्यू ई नॉट है. दो कीज या स्विचेस रखेंगे, की नंबर वन की नंबर टू. इन दोनों को कभी भी हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं. ये आपको मैकेनिज्म समझना होगा तभी आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज वो बीच में कहीं ना कहीं ट्विस्ट करेगा. केवल फॉर्मूले से अपना आंसर नहीं आएगा, फॉर्मूला डिपेंड करेगा कि उसने क्या पूछा गया उसके अकॉर्डिंग. सो वी हैव टू बैटरीज, लेट्स ई नॉट इज नोन एंड ई एक्स इज अननोन. और इसी ई एक्स को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं लेबोरेटरी में. तो एक नॉन बैटरी को लेके कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे, कुछ पॉजिटिव इस तरफ रखेंगे, पॉजिटिव किस तरफ रखेंगे टर्मिनल, जिस तरफ इसका पॉजिटिव होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग बराबर करने वाले हैं. सो कई बार पोलैरिटीज को भी इधर उधर करेगा तो अकॉर्डिंगली अपने को ध्यान देने का. अब ये जो सी पॉइंट है, जॉकी है, इस सी पॉइंट को हम मूव कराएंगे ए से बी के बीच में. तो हम लोगों ने ये देखा कि इसमें करंट आ ही जाता है और इसको जो हम मूव कराएंगे तो उससे पहले हम एक दो में से एक की को बंद करके चलेंगे, क्योंकि अगर हमने की बंद नहीं किया तो फिर इसको कहीं भी ज्वाइन कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये डिसकनेक्टेड है. तो इट्स जस्ट लाइक एक वायर को टच करा रहे हो. सो आइडिया क्या रहेगा, की वन को क्लोज किया गया और की टू को ओपन रखा है, पहला केस. सो जब हम के वन को क्लोज करते हैं, के टू को ओपन करते हैं, तो आपको को समझ में आना चाहिए एक बैटरी यूज में रहेगी, दूसरी बैटरी यूज में नहीं रहेगी. कौन सी बैटरी यूज में है वो आप देख सकते हो, ई एक्स वाली जो बैटरी है दैट इज इन यूज और जो दूसरी वाली बैटरी है वो नॉन यूज पे है. फिर आप उसको मूव कराओगे की को, इतना मूव कराओगे कि एक मिनट आपको वेट करना होगा.
K1 को क्लोज, सॉरी लेट्स कैरी फॉरवर्ड. सो K1 को अपने क्लोज कर रखा है, K2 को ओपन कर रखा है. सो कैन यू थिंक ऑफ कि ये कनेक्शन बन गया, और जब ये कनेक्शन आपका बन गया तो आपको एक नल पॉइंट मिलेगा. सो इफ दिस इज द केस देन लेट सी इज नल पॉइंट. तो आपको सी नल पॉइंट मिला. अगर आपको सी नल पॉइंट मिला तो क्या हम लोग एक बात बोल सकते हैं क्या कि एसी का जो पोटेंशियल होगा और जो इस बैटरी का पोटेंशियल होगा वो बराबर हो जाएगा. अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं समझाता. अब देखो कि यहाँ से अगर आप चलते हो तो ये बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा. ये की कनेक्टेड है या कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो डाउन साइड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बैटरी का है, और अप साइड इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियोमीटर से आ रहा है. और सिंस ये कनेक्टेड है, इसका मतलब हुआ कि ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे का पोटेंशियल डिफरेंस दोनों बराबर आएंगे. उसका मतलब ये भी हुआ कि यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ई एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी द पोटेंशियल अक्रॉस ए सी. लास्ट क्लास में भी मैंने हिंट दिया था कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका बराबर जाता है कब, जब K1 क्लोज था, K2 ओपन था. अब अपने को क्या करना है, सिमिलर स्टोरी को रिपीट करना है. K1 को ओपन रखना है, K2 को क्लोज करना है. जब हम लोग K2 को क्लोज करेंगे और K1 को ओपन रखेंगे तो आप देखोगे कि आपको इसको और दूसरे लोकेशन पे ले जाना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन की ई नॉट कितना था. तो लेट से कि हमको जो दूसरा लोकेशन मिलता है वो यहाँ कहीं मिलता है, और ये सेकेंड नल पॉइंट जो है वो शी डैश पे है. इस साइड मिल सकता है, लेफ्ट साइड और राइट साइड कहीं भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज. सो मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखने वाला हूँ, आप फिगर को ध्यान से देख लीजिए. नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये लिखूंगा कि K1 को ओपन करना है, K2 को क्लोज करना है, नया नल पॉइंट हमको सी डैश पे मिलेगा. तो फिर एक नई इक्वेशन आ जाएगी, ई नॉट इज इक्वल टू ए सी डैश और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सी डैश. तो उसको मैं कॉपी कर देता हूँ. सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस. If K1 is open and K2 is closed, then null point is at C dash. तो नल पॉइंट आपको सी डैश पे मिला हुआ है. व्हाट दिस इज गोइंग टू इंप्लाई, दिस इज गोइंग टू इंप्लाई कि जो ई नॉट की वैल्यू है दैट इज गोइंग टू बी वी ए सी डैश. व्हाई ई नॉट, क्योंकि उस समय डाउन साइड का पोटेंशियल यहाँ से आएगा ई नॉट का, और ऊपर से वो पोटेंशियल होगा, ये बैटरी यूज में नहीं होगी. देन आफ्टर आप बोलो कि ये हमारे लिए रिलेशन वन था, छोटा सा रिलेशन, इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये रिलेशन नंबर टू था, दोनों को डिवाइड कर दो. सो 1/2 करने पर आपको मिलेगा अननोन ईएमएफ डिवाइड बाय नोन ईएमएफ इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस एसी डिवाइड बाय पोटेंशियल अक्रॉस एसी डैश. नाउ ए से सी का डिस्टेंस कितना है, ए से सी डैश का डिस्टेंस कितना है, ये हमको इजीली पता चल जाएगा. कैसे पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्किंग होती है, स्केल लगा रहता है, स्केल में हम रीड करके बता देते हैं. सो एक्सपेरिमेंटली ये सब कुछ हम लोग एक्सपेरिमेंटली पढ़ रहे हैं. सो एक्सपेरिमेंटली इट्स इजी टू फाइंड एसी एसी डैश, लेकिन हमको एसी एसी डैश नहीं चाहिए, हमको उनके पोटेंशियल डिफरेंसेस चाहिए. नाउ ध्यान दीजिए, जब कभी नल पॉइंट मिलेगा, हम लोग केवल नल पॉइंट की बात कर रहे हैं. वेन एवर वी गेट नल पॉइंट, गैल्वेनोमीटर से कितना करंट जानेगा, जीरो. अगर गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट जाएगा, इसका मतलब यहाँ से जो आने वाला करंट था क्या वो यहाँ पे शेयर्ड हुआ होगा, बिल्कुल नहीं. सेम करंट यहाँ से फ्लो करेगा, और जो करंट यहाँ से जाएगा सेम करंट यहाँ से भी जाएगा और यहाँ से जाएगा. इसका मतलब जो एक्सटर्नल सर्किट की करंट होती है वो हम अपने सर्किट की करंट से साथ शेयर नहीं करते हैं. सो ये जो पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जिसको हम लोग लिखा था, ये पूरा डिवाइस है, ये अपनी खुद की करंट रखता है, इसको सर्किट से करंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती. दैट मीन्स इसकी करंट कॉन्स्टेंट रहेगी इस वायर पे. अगर करंट कांस्टेंट रहेगा तो हम किसी भी पोर्शन का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस. सो ये जो V1 V2 या फिर VAC डैश की हमारी बात चल रही थी, इसको हम लिख सकते हैं IRAC डिवाइड बाय IRAC डैश.
माइंड इट कि दोनों में आई बराबर है, ये एक अच्छा प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है कि ये फंक्शनिंग क्यों कर पाता है इस तरह से, क्यों, क्योंकि हम दोनों ब्रांच पूरे पार्ट में जो वायर है अपना, इसके इंटायर वायर में सेम करंट चलती है, नो करंट इज बीइंग शेयर्ड बाय एनी अदर पार्ट ऑफ इट, और दूसरे सर्किट्स के द्वारा शेयर नहीं होते हैं। सो इसलिए ये आई और आई कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आपको पता है कि जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो लेंथ के रेशियो के बराबर होता है, तो ये बनेगा ए सी डिवाइड बाई ए सी डैश यूनिफॉर्म केस में, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये अपना फॉर्मूला बन जाता है, यू कैन रिमेंबर दिस एज ए फॉर्मूला। अल्टीमेटली जो अननोन अननोन ईएमएफ होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको निकालने के लिए आपको एक नोन की जरूरत पड़ेगी। फिर एसी फर्स्ट टाइम कहाँ पर वो बैलेंसिंग कर रहा है, सेकेंड टाइम कहाँ पर बैलेंसिंग कर रहा है, क्वेश्चन आपको ऐसा बोलेगा कि फर्स्ट टाइम 20 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग मिला, सेकेंड टाइम उसको 30 सेंटीमीटर पर बैलेंसिंग मिला, मीनिंग ये रेशियो पता चल गया। फिर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अननोन पोटेंशियल पता चल जाता है। सो दिस इज इट्स वर्किंग। वर्किंग में खास इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिस्टेंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, दैट मीन्स इट शुड हैव अ क्रॉस सेक्शनल यूनिफॉर्म, और करंट शुड बी सेम इन द वायर ए बी। ये दो कंडीशन मीट करेगा तो अपना काम होता है। कॉपी कर लीजिए टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको एग्जाम में अगर सिमिलर क्वेश्चन दिया जाए, एग्जैक्टली सेम चीज हो, तो फिर डायरेक्टली आप आंसर को यूज कर सकते हो, रिजल्ट को। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, उसका सर्किट ड्रॉ करके सॉल्व करना है, सॉल्व करने से रिलेशन बनाना है, रिलेशन बना करके अपने को आंसर पता चल जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। आई और आर अन मतलब नोन रहा है तो फिर ई नॉट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। हाँ, आई और आर अननोन रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आई अगर अपने को ये सब पता रहे तो फिर हम डायरेक्टली बता देते। तो अब देखो ना, डिफरेंस कैसे समझना है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं, उनका पर्पस क्या है। उनका पर्पस है कि हम लेबोरेटरी में काम करके अपना आंसर दे सके। नाउ अगर हमको किसी बैटरी का ईएमएफ बताना है तो हम उसको एक सर्किट में लगा सकते हैं। अब देखो कि आप रेजिस्टेंस ले लो और एक अमीटर लगा लो और यहाँ पे अपनी बैटरी लगा लो। रेजिस्टेंस आपको पता हो या से रीडिंग पता हो तो E इज इक्वल टू आई आर से आपको E की वैल्यू पता चल जाती है, एज सिंपल एज एनीथिंग। लेकिन ये इतना सिंपल केवल थ्योरेटिकल है। प्रैक्टिकली में आप देखोगे आपको रेजिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो हमारे पास और भी वेज होते हैं, लेकिन इसमें आपने देखा कुछ एक्यूरेसी का भी इशू आता है। तो पोटेंशियोमीटर के साथ फ़ायदा क्या है, क्यों इसको प्रेफर करते हैं, ये जो स्टोरीज है ना, करेंट हो या ईएमएफ हो, ये सब हम जब कभी कोई इंस्ट्रूमेंट को लगाते हैं ना तो स्विच से लगा देते, प्लग लगाते हैं स्विच में, तो उसमें कितना वोल्टेज आ रहा है ये अपने को नहीं पता है, कितनी करंट एक्सट्रैक्ट कर रहा है ये अपने को नहीं पता है। अगर वो सब चीज़ें हमें नहीं पता हैं, इसके बावजूद भी हम निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। देखो यहाँ पर हमने आई का भी यूज़ नहीं किया, नहीं, ई का कोई यूज़ हुआ नहीं। दैट मीन्स ये जो हमारा सर्किट है, जहाँ से सोर्स है, जहाँ से हम लोग करंट ले रहे हैं, उसका कोई यूज़ नहीं। हमारे पास खुद की एक बैटरी थी जिसको हमको एग्जैक्टली पता था, एक अननोन बैटरी थी एग्जैक्टली उसको हमको पता करना था, बस कुछ रीडिंग्स हमने ली और रीडिंग लेकर के हमने उसकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो इसका जो यूज़ है एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो भी एक गिवन बैटरी के साथ पता हो तो दूसरी बैटरी के बारे में हम बता देते, एग्जैक्ट बता देते हैं। बाकी कोई और सर्किट आप बनाओगे तो वो उसका अमीटर कुछ ना कुछ वैल्यूज को हैम्पर करेगा, वोल्टमीटर कुछ ना कुछ वैल्यूज को हैम्पर करेगा। यस, समबडी वांट्स टू आस्क। सर वो जो पिछला जो सर्किट था उसमें से करंट तो जाएगा ना ये वाले इसमें? हाँ, इसमें करंट जाएगा, बिल्कुल जा सकता है, आई एम एग्रीइंग। लेकिन हम लोग पॉइंट कौन सा देख रहे हैं, हम लोग केवल नल पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करते हैं जहां पर करंट जाना बंद हो जाए, तभी तो हम गैल्वेनोमीटर लगा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पर अपने से कोई करंट पास नहीं करता है, तो अगर गैल्वेनोमीटर से पास नहीं होगी इसका मतलब आगे नहीं गई होगी, क्योंकि करंट को तो सर्किट पर चलना होता है। हाँ, अगर हम दोनों क्यूज को बंद करें, यहाँ पर करंट चले तो चलने देते हैं। अपना कंसर्न है ये जो ब्लैक कलर का वायर है, इसके हर एक पार्ट से सेम करंट जाना चाहिए।
अगर हर एक पार्ट से सेम करंट जाएगा तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, फिर रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारा जो पर्पज है पोटेंशियल को लेंथ के प्रोपोर्शनल करना, पर्पज इज कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो उसके लिए करंट को सेम करना जरूरी होता है, इसलिए गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं। और नल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, तो सी और सी डैश हमारे नल पॉइंट है, नो करेंट एट दैट टाइम। ओके ओके, नाउ अभी इसको फिर से यूज करेंगे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए। तो आप देखोगे किस तरह से करना है। अब जैसे एक और मैंने एप्लीकेशन बताया था, दो बैटरीज को कंपेयर करना पोटेंशियल डिफरेंस को, तो ये वही हो गया, कंपेयरिंग के लिए भी हो गया। क्यों? कि ई एक्स और ई नॉट जो हम लोगों ने लिखा उनका रेशियो अपने को पता चल गया। मान लीजिए हमारे पास दोनों अननोन है, तो ये रेशियो हमको बता देगा, रेशियो वन से बड़ा होगा तो हम बता देंगे कि ऊपर वाले का वैल्यू बड़ा है, नीचे वाले का वैल्यू कम है। सो यहाँ से हम कंपेयर भी कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ ऑल्सो वी कैन कंपेयर टू EMFs और पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो अगर आपको एक अननोन नहीं पता करना है, कंपेयर करना है दो को, तो कंपेयर भी कर सकते हो। ये जो कंपैरिजन होगा ये मोर प्रिसाइज होगा, ये जो कैलकुलेशन होगा दैट्स मोर मच मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू वोल्टमीटर अमीटर और व्हाटएवर योर एग्रीमेंट्स अरेंजमेंट्स आर। सो सभी अरेंजमेंट से ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट एक्यूरेट होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसका दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। बैटरी और सेल, किसी एक बैटरी या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो अगेन वी विल हैव द सेम अरेंजमेंट, एक पोटेंशियो मीटर होगा और इसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर वायर, तो दिस इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर वायर। तो एक पोटेंशियोमीटर वायर लो, उसको एक सर्किट से कनेक्ट करो जो कि इसको करंट सप्लाई करेगा फ्यूचर में जिसकी जरूरत है, सम सॉर्ट ऑफ दिस। ये आपका बाहर का है, कुछ सोर्स का ईएमएफ है, ये सोर्स का रेजिस्टेंस है। देन आफ्टर आपको एक सर्किट और लगाना होगा जिसमें एक बैटरी होगी जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपको चाहिए, ये रियल बैटरी है, और साथ ही साथ आपको एक रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। और एक स्विच लगाना होगा। कई बार वो आपको अरेंजमेंट दे देगा, बोलेगा बताइए इससे हम लोग क्या पता कर सकते हैं, तो हम देख करके बता देंगे। फिर इसको यहाँ पे मूव करेंगे, गैल्वेनोमीटर यहाँ भी लगा रहे हैं। नाउ यू कैन सी की यूज ऑफ गैल्वेनोमीटर, वी यूज गैल्वेनोमीटर इन ऑल ऑलमोस्ट ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स बिकॉज अपने को करंट चेक करनी होती है। सो अगर अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस पता करना, तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये अपने को पता करना है, और ये बैटरी का ईएमएफ है, और ये रेजिस्टेंस है जो नॉन रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये की है या फिर स्विच है। सो अगर अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का पता करना है, उसके लिए हमने को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चाहिए होता है जो नॉन होगा, तो जो कहीं से मार्केट से परचेज करके हम यूज कर सकते हैं नॉन वैल्यू का। सो लेट आर इज अ नॉन रेजिस्टेंस, एंड स्मॉल आर इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, और उस बैटरी का ईएमएफ ई है। ई आपको पता हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पता भी होगा तो कोई दूसरा नोन कर देगा, अदरवाइज नहीं भी देगा तो भी हम आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए हमको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, दैट्स ऑल। फिर हम यहाँ पे रीडिंग लेंगे, कुछ रीडिंग लेकर के हम अपना आंसर बता देंगे। अगर आप ओवरऑल प्रोसेस को देखो ना, तो ये एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि जिनको यूज करना है वो कम से कम क्वांटिटीज है और वो अच्छे से नॉन क्वांटिटीज हैं। जैसे कि इसके पहले आपने एक नॉन बैटरी यूज किया, दैट्स ऑल, बाकी सारा रीडिंग था।
और अभी हम लोग एक नोन रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, और बाकी सारी रीडिंग रहेगी। सर्किट में क्या कनेक्शंस हैं, इसका खुद का क्या रेजिस्टेंस है, कितना करंट जा रहा है, बैटरी का खुद का ईएमएफ क्या है, इन सब से हम इन सबको यूज भी नहीं कर रहे अपने आंसर के लिए। अब देखो ये कैसे अपना आंसर आ जाएगा। नाउ अगेन एक काम करोगे कि पहले स्विच को ओपन रखोगे, फिर एक बार स्विच को क्लोज करोगे और दो रीडिंग लोगे। जनरली हमको दो रीडिंग लेनी होंगी, क्यों? क्योंकि आपको पता है हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली स्टोरी को यूज कर रहे हैं। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी वाली स्टोरी को यूज कर रहे हैं तो अपने को दो इक्वेशन चाहिए जिनको हम डिवाइड कर सकें। इसलिए दो रीडिंग्स लेने होते हैं अगर बहुत सारे नॉन हुए तो, और ज्यादा नॉन हो गए तो फिर आप एक रीडिंग में भी आंसर दे सकते हो, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कैसा है। सो लेट्स से कि फर्स्ट केस है कि जब के आपका ओपन है, जब के ओपन होगा तो आप पाओगे कि एक ये सर्किट है, लूप है सर्किट की, और एक ये लूप तो है ही ऑलरेडी, दो लूप्स हैं। नाउ इस वाले पोर्शन से करंट रन कर सकती है, बिल्कुल रन कर सकती है। अब आप क्या करोगे, सी को इधर से ए से बी के बीच में लेके जाओगे। हाँ, ए के बीच में ऐसा अरेंजमेंट होगा कि यहाँ पर करंट को जीरो किया जा सके। फिर आप देखोगे कि कहाँ पर नल पॉइंट मिलता है, जहाँ पर नल पॉइंट मिलता है वहाँ पर रोक लेंगे। सो के इज ओपन लेट, सी इज द नल पॉइंट। जैसे आपने इसको नल पॉइंट बोला, इसका मतलब हुआ कि इस गैल्वेनोमीटर से कोई करंट नहीं गया, इसका मतलब हुआ कि इस वाले ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि व्हाटएवर द करंट वाज रनिंग थ्रू दिस एक्सटर्नल सर्किट, सेम करंट कीप्स ऑन रनिंग थ्रू द वायर, एंड वायर डज नॉट शेयर एनी करंट एट जंक्शन ए एंड बी और सी में भी। सो नल पॉइंट आपको मिला, इसका मतलब एसी का जो पोटेंशियल डिफरेंस वायर के क्रॉस आएगा वही इस नीचे वाले ब्रांच के क्रॉस होना चाहिए। अब आप जब नीचे जाते हो तो आपको पता चलता है ये वायर है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आएगा नहीं, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कितना आएगा? बैटरी के ईएमएफ के इक्वल। फिर आगे रेजिस्टेंस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा बिकॉज करंट जीरो है। सो नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो पोटेंशियल डिफरेंस। सो पॉइंट इज की वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। सो यहाँ से अपना कंक्लूजन निकला। सो द कंक्लूजन गोज लाइक दिस फॉर दिस पर्टिकुलर केस, की ई की जो वैल्यू है that is going to be the potential across AC, as simple as anything, the same thing जो हम लोगों ने पिछले वाले केस में किया। Then after what you are going to do, अब आप K को क्लोज कर दोगे, key is closed। जब आपने इस key को क्लोज किया तो ये अपने आप में एक लूप बन जाएगी, एक लूप तो ये हो गया, एक लूप ये हो गया और एक लूप ये हो गया, थ्री लूप्स हैं आपके पास। नाउ फिर से अपने को नल पॉइंट पता करना है, तो हम लोग नल पॉइंट पता करने की कोशिश करेंगे। लेट्स से कि जो नल पॉइंट है वो यहाँ कहीं मिलता है सी डैश पे, सी डैश इज द सेकेंड टाइम केस जब के क्लोज्ड है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लेट सी डैश बी द नल पॉइंट। नाउ अब जो नल पॉइंट है वो चेंज हो गया और सी डैश पे चला गया। इफ दिस इज द केस देन यू विल से कि ओके ए सी डैश का जो पोटेंशियल होगा वो इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। नाउ यू विल फाइंड कि सी डैश नल पॉइंट है, मतलब इस वाले पार्ट से कोई करंट नहीं आएगा, जी से कोई करंट नहीं आएगा। अगर जी से कोई करंट नहीं जा रहा है, इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं आया होगा, क्योंकि करंट को तो लूप पे चलना होता है। इसका मतलब आई विल नॉट बी शेयर्ड। मोर ओवर ये जो लूप है ये अपना एक करंट क्रिएट कर सकता है और रन करा सकता है। सो वट एवर द करंट इज गोइंग टू फ्लो, देर विल बी वन करंट फ्लोइंग इन दिस। सो एक ये छोटा सा सर्किट बन जाएगा, लूप बन जाएगा जो अपने करंट को रन कराएगा, बट दिस करंट विल नॉट गो आउटसाइड नाइदर दिस वे नॉर दिस वे। व्हाई? बिकॉज गैल्वेनोमीटर इज नॉट अलाउइंग एनी करंट टू गो। और यहाँ पर क्यों नहीं? क्योंकि लूप पे चलना था, लूप पूरा नहीं है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी किया था हम लोगों ने। Anyway, so from here we can say कि let's say कुछ point नाम दे देते, ये point P है और ये point Q है। तो P और Q के बीच का जो potential difference होगा वही AC days के बराबर हो जाएगा। So this will indicate the potential difference across PQ must be equal to across AC dash।
तो ये वाली लूप को हमने सॉल्व कर लिया। अब अपना पर्पस ये है कि ये जो पी और क्यू है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसको सर्किट या सर्किट सॉल्विंग को यूज करके पता कर लेते हैं ना, ये कितना करंट जा रहा होगा। तो उसके लिए आप टर्मिनल्स बनाओगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव की करंट प्लस से माइनस की तरफ जाती है, बैटरी का ये प्लस और ये माइनस हमेशा रहता है। किरचॉफ्स लगा दो, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि आई आर की वैल्यू प्लस आई आर के साथ ऐड करके माइनस ई के साथ मिलकर के जीरो हो रही है। बेसिकली वो हम एक लाइन में भी लिख सकते थे आई की जो वैल्यू है ई डिवाइड बाई आर प्लस आर हो रही है। सो आई की वैल्यू ई डिवाइड बाई आर प्लस आर हो गए। अपने को इंटरेस्ट है पी और क्यू के अक्रॉस कितना पोटेंशियल है, पी और क्यू के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल होगा जो इस आर के अक्रॉस होगा या फिर इस जो बैटरी के अक्रॉस होगा, फुल बैटरी के अक्रॉस। सो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, जैसे कि हम इसको आई आर बोलते हैं तो यहाँ से हम लोग सकते हैं पी क्यू का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आई इंटू आर के बराबर है। दैट मीन्स बेसिकली इट्स ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर। अब पी क्यू की वैल्यू तो ये थी, इसी को यहाँ से पी क्यू वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सो अपने को एक रिलेशन मिला कि ईएमएफ ऑफ द बैटरी रेजिस्टेंस जो कि नोन है अननोन रेजिस्टेंस के साथ ऐड करके डिवाइड करना है, इसकी जो वैल्यू है वी ए सी डैश के बराबर आ गई। अब ऑब्वियसली कि अगर ये आपको समझ में आता है देन अगेन यूजुअल बिजनेस को रिपीट करना है। ये हमारे लिए इक्वेशन वन हो गई, ये हमारे लिए इक्वेशन टू हो गई। सिंस हमको वी ए सी नहीं पता है, वी ए सी डैश नहीं पता है, बट इनका रेशियो लेंथ के प्रोपोर्शनल जाएगा, ये अपने को क्लेम कर सकते हैं और लेंथ हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं क्योंकि स्केल लगा होता है। तो ये जीरो से, जनरली ये जीरो से स्टार्ट करेगा तो ए सी डैश मिल जाएगा, ए सी मिल जाएगा, तो दोनों मिल जाएंगे। नाउ यू डिवाइड वन इन टू, एज सून एज यू डिवाइड वन इन टू यू विल गेट अ रिलेशन एंड दैट रिलेशन विल लेट यू नो कि क्या आंसर आने वाला है। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ और उस स्लाइड पे इन दोनों को डिवाइड करूंगा। डिवाइड करोगे तो आप देखोगे ई डिसअपीयर हो जाएगा, केवल आर और आर में रेशियो मिलेगा और इधर लेंथ का रेशियो मिल जाएगा जो कि हम मेजर कर रहे हैं। इसको लोग कैपिटल आर पता होगा तो स्मॉल आर हमारा वहां से निकलेगा और ये मैक्सिमम प्रिसाइसनेस के साथ निकलेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो खूब सारी लैंग्वेज लिखेगा, लाइक कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है और जब की को ओपन किया था तो ये चल रहा था, की को क्लोज किया तो क्या चलेगा बताइए, या फिर सिमिलर टाइप की कोई और स्टोरी पूछ सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। सो मैं फर्स्ट इक्वेशन को फिर से लिख देता हूँ, दैट मीन्स ई वॉज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए सी। दूसरा आया ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस ए सी डैश। हम चाहते हैं कि दोनों को डिवाइड किया जाए, सो देन यू डिवाइड यू विल गेट ई डिवाइड बाई ई आर डिवाइड बाई आर प्लस आर इज इक्वल टू वी ए सी डिवाइड बाई वी ए सी डैश। चेक कर सकते हैं सही लिखा है, ठीक है, ई से ही कैंसिल होगा। इसका मतलब बैटरी के ई एम एफ की भी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। R plus R divided by R is equal to this is going to be equal to VAC again, ये IR के बराबर होगा, IR फिर you know मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए, IR AC के proportion बराबर होगा, ये IR AC dash के बराबर होगा, same I थी इसलिए I cancel out हो गया, फिर वो length के ratio के बराबर हो जाएगा। so final answer आ जाएगा यहाँ से। सो फाइनल आंसर में मिलेगा आर प्लस आर डिवाइड बाई कैपिटल आर इज इक्वल टू ए सी डैश डिवाइड बाई ए सी। एक दो बार ऐसा क्वेश्चन आया वो एग्जाम में, उसने बोला है कि एक बार सपोज के लिए जैसा कोई नंबर देगा कि एक बार 40 सेंटीमीटर पे मिलता है, एक बार 60 सेंटीमीटर पे मिलता है, कैपिटल आर की वैल्यू इतनी है, स्मॉल आर की वैल्यू बताइए। जैसे इसको 40 60 बोलेगा तो ये तो अपना डन हो गया, कैपिटल आर की वैल्यू बोलेगा वो भी डन हो गया, स्मॉल आर निकल आएगा। ये फॉर्मूला काफी हेल्पफुल है, लेकिन इसको लगाने से पहले आप मेक श्योर की क्वेश्चन यही पूछ रहा है ऑफ कोर्स। सो एक बार आप इंश्योर करो कि यही पूछ रहा है, यस अप्लाई दिस फॉर्मूला, गो एट गेट योर आंसर, इट विल टेक वन मिनट टू आंसर, और अगर सॉल्व करना पड़ा तो थोड़ा सा टाइम देने का सॉल्व कर लेंगे।
So this is how we can calculate the internal resistance with a high preciseness of a battery. उसके लिए केवल एक external resistance को जानने की जरूरत होती है. That's all. कॉपी कर सकते हो, कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो. अदरवाइज दिस इज व्हाट द पोटेंशियोमीटर इज, और इसी को आपको पूछेगा, आपको आंसर देना है. आप प्रैक्टिस करोगे बहुत सारे क्वेश्चन का तो और भी क्लैरिफिकेशन आएगा. यस सर, वो एसी अपॉन एसी डैश हो ऐसा क्या? एक तो मैं चेक कर लेता हूँ, वो चेक कर लेता हूँ. हो सकता है कि मैंने जल्दी में कुछ और लिख दिया हो. पहला एसी था, दूसरा एसी डैश था. तो ये एसी अपॉन एसी डैश था, ये भी एसी अपॉन एसी डैश था. हाँ, ये एसी अपॉन एसी डैश आएगा. यू आर राइट. सो दिस हैज टू बी एसी अपॉन एसी डैश. तो ये जो प्रोपोर्शनल था उसी के हिसाब से हम लिखेंगे. ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन. सो करेक्ट कर लीजिए. लेंथ के प्रोपोर्शनल हम लोग जाएंगे. और वैसे कई बार आपसे देखो कैसा क्वेश्चन पूछ लेगा कि पहले अगर अपने को हेड से 60 सेंटीमीटर पर मिल रहा था स्विच जब हमारा ओपन था, तो क्लोज करने के बाद 60 से कम आएगा या 60 से ज्यादा आएगा? सिंपल क्वेश्चन. तो 60 से कम आएगा या 60 से ज्यादा आएगा ये अपने को पता करना है. हालांकि मैंने कम साइड में बनाया हुआ है, बट स्टिल अगर आपको चेक करना हो या करेक्ट करना हो तो क्या करेंगे? तो आप इधर देखिए, R प्लस R की वैल्यू डेफिनेटली R से बड़ी रही होगी. इसका मतलब ऊपर वाला बड़ा रहा होगा, नीचे वाला छोटा रहा होगा. इसका मतलब A से C का गैप ज्यादा होना चाहिए, A से C डैश का गैप कम होना चाहिए. इसका मतलब C डैश मस्ट लाई टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ C. और इसका मतलब जो मैंने बनाया है वो प्रॉपर बनाया हुआ है. सो जो AC डैश आएगा वो 60 से कम आएगा. कितना कम आएगा? That's a different story. ऐसा आपसे पूछ सकता है कि अगर यहाँ पर null point मिल रहा है तो क्लोज करने के बाद हमारा null point लेफ्ट साइड मिलेगा, राइट साइड मिलेगा? अब हम आंसर दे सकते हैं. इसके आंसर देने के लिए आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, क्योंकि ये बैटरी का पहले पोटेंशियल EMF था, फिर ये बैटरी करंट सप्लाई करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस EMF से कम हो जाता है, तो ये कम हो जाएगा तो कम का रिक्वायरमेंट आएगा. और अदरवाइज आप सॉल्व करके एग्जैक्टली बता सकते हो कितना कम हो जाएगा. आपसे ऐसा पूछ सकता है हाउ बाई व्हाट अमाउंट इट विल मूव शिफ्ट. तो बेसिकली अपने को क्या बताना है? ए सी माइनस ए सी डैश. तो ए सी आपको बताएगा, इस कैलकुलेशन से ए सी डैश निकाल लेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द पोटेंशियोमीटर. इट्स इंपॉर्टेंट वन. और मीटर ब्रेस, सो पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रेस को हाई इंपॉर्टेंस दीजिए, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी क्वेश्चन आने की. और ये सब वीट टेस्ट ऑन बेस पर बेस्ड है ऑफ कोर्स. सो ये इम्पोर्टेंट आपके इंस्ट्रूमेंट्स थे. एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं. या तो कोई कंसर्न आ रहा हो तो आप पूछ सकते हो, और अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड. अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, बट एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, एक ही दो बार एग्जाम में दिखा है. हम जिसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स कहते हैं, उसका अरेंजमेंट कैसे दिखता है, क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ. सो नेक्स्ट इज गोइंग टू बी नेम्ड एज पोस्ट ऑफिस बॉक्स. नाम से ये कुछ कम्युनिकेशन का पार्ट लग रहा है, बट इट्स नॉट दैट. बेसिकली इट्स इंस्ट्रूमेंट. तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है पोस्ट ऑफिस बॉक्स. क्या करता है? रेजिस्टेंस को बहुत एक्यूरेटली मेजर कर देता है. शायद इतना एक्यूरेटली मेजर करता है कि जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है वहां तक कैलकुलेट करके बता सकता है. हम लोग एरर एनालिसिस वगैरह पढ़ चुके हैं, मेजरमेंट पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों ने देखा था मेजरमेंट में एरर जरूर आती है, इजंट इट? और इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आपने पढ़ा था स्क्रू गेज था, वर्नियर कैलिपर्स था, तो 0.1 mm और समथिंग लाइक दैट, उस तरह से मेजर करते हैं. तो सपोज कर लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, किसी इंस्ट्रूमेंट से आपने रेजिस्टेंस मेजर किया, लेट से वो 10.25 ओम आया.
अभी भी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, हो सकता है कि वो 10.2502563212 कुछ ऐसा आ रहा हो, और मैं भी कि यहाँ भी एंड नहीं हो रहा हो, चलते जा रहा हो। सो कुछ उसका एग्जैक्ट नंबर कहाँ तक लाई करेगा ये डिपेंड करता है कि वो वैल्यू कैसा है एग्जैक्टली. बट मेजर करने के लिए हम लोग फिर क्या करते हैं, जैसे ये नंबर आता है तो इसको 10.25 ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं. तो ये तो सब ना कैलकुलेशन की बात हुई. इन केस अगर अपने को एग्जैक्ट निकालना है तो चाहे आप ओम्स लॉ निकालो, वो आपको एग्जैक्ट नहीं बताएगा, या फिर आप मीटर बिज को यूज करो, वो भी एग्जैक्ट नहीं बताएगा, वो भी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो ये डेसिमल के आगे वाली चीजों को राउंड ऑफ कर लेता है. और आपके पास क्या तरीका है, कलर कोडिंग है. कलर कोडिंग को अगर आप यूज करोगे तो उससे भी हम प्रिसाइज नहीं बता पाते, एक पर्टिकुलर डेसिमल प्लेसेस तक ही बता पाते हैं. सो ये जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है ना, ये आप जितना चाहो, जितना एग्जिस्ट कर रहा होगा, जितने डेसिमल प्लेसेस तक, वहां तक कैलकुलेट करके बता देते हैं. दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज, कि दिस कैन मेजर विद अ वेरी हाई प्रिसाइजनेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर और रेजिस्टेंस वैल्यू. इसकी मैकेनिज्म काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कॉम्प्लेक्स भी है, और वो आप एक बार समझ लोगे तो कभी अगर फ्यूचर में आता है, कहीं भी सामना होता है, तो आप उसको बता दोगे कि किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हम एग्जैक्ट वैल्यू तक पहुंच जाते हैं. सो इसकी डिजाइन भी अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स होती है. मैं बनाता है एक बार के लिए और आप उसको फॉलो करेंगे, फ्यूचर में उसको याद रख सकता हूँ. एक बार उसने एग्जाम में डिजाइन से रिलेटेड इक्वेशन पूछ लिया था. सो कुछ ऐसा एक एस लेटर टाइप का अरेंजमेंट करते, मैं थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटा करते हैं कोई बात नहीं. एस लेटर जैसा अरेंजमेंट बनाते हैं और बेटर होता है कि कहीं से पिक्चर कॉपी कर लेता. एनीवे बना देता हूँ, स्टार्टेड टू सम लेवल. दिखने में आपको ऐसा लगेगा, ये फिगर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कौन सा कनेक्शन कहाँ पर है, कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पर है और किस तरह से वर्क करता है. ये भी बैलेंस वी टेस्ट ऑन बेस पर बेस्ड है, ऑफ कोर्स सब कुछ उसी पे बेस्ड रहता है, मतलब अधिकतर चीज़ें उसी पे बेस्ड रहती है. नो, यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स होते हैं, हम लोग काम की बात करेंगे, उसी पे फोकस कर लेते हैं. एक पॉइंट यहाँ पे बनाते हैं जिसको जनरली सी पॉइंट के नाम से जानेंगे, कुछ भी नाम दो उससे खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन लिस्ट से उसका नाम सी दे दिया. एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा जिसको ए पॉइंट, और एक पॉइंट यहाँ पर रहेगा जिसको बी पॉइंट बोलेंगे. ये जो ए बी सी पॉइंट है ये बेसिकली नोड पॉइंट्स टाइप के हैं, इनके बीच में हमको रेजिस्टेंस लगाना है. तो एक रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर है, एक रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर है, कुछ ऐसी स्टोरी है. एक पॉइंट होगा डी जो कि यहाँ पर है, ये इस तरह से डिजाइन किया जाता है. नाउ ये जो ए और बी पॉइंट है हमारे, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाते हैं जिस रेजिस्टेंस का नाम पी होता है. सो पी इज रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. सिमिलरली बी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जिसका नाम होता है क्यू, और ए और डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस होता है यहां पर, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर. सो ये पी क्यू आर हम लोग चूज करते हैं. I'm just explaining what the arrangement of post office box is. वो आपसे पूछ सकता है कि P, Q क्या है, R क्या है, तो आपको बताना होगा. तो ये जो P, Q, R है, ये इनको हम मेजर नहीं कर रहे हैं, इनको हम चेंज कर सकते हैं. मेजर जिसको करना है वो कहाँ पे लगाते हैं वो समझते हैं. एक बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, उसने ये पूछा कि जो आपको मेजर करना होता है उस मेजरिंग रेजिस्टेंस को कहाँ पर लगाते हो. ऑप्शन दिया था ए डी के बीच में लगाओगे, बी सी के बीच में लगाओगे, और ए डी के बीच में लगाओगे, सी डी के बीच में लगाओगे. तो हम बोलेंगे कि उसको हम सी और डी के बीच में लगाते हैं. यहाँ से एक वायर लेके जाएंगे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगा, और ये जिसको आपको मेजर करना है वो लेट से एस रेजिस्टेंस है.
इस तरह से दिखा सकते हैं, ये आपको मेजर करना है अननोन है आपके लिए, और इसको आप इससे कनेक्ट करते हो डी से. सो दिस इज योर अननोन रेजिस्टेंस. सो आपके पास कितने रेजिस्टेंस हो गए, पी क्यू आर एंड एस. पी क्यू आर आपके ये डिवाइस है, बॉक्स जैसा होता है, उसके बॉक्स के अंदर पी क्यू आर होते हैं, और ये एस आपको बाहर से लगाना होता है. तो जिसको जो अननोन रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप लगाओगे और इसको मेजर कर लिया तो इसको रिमूव कर दो, दूसरा यहाँ पर लगा लो उसको मेजर करो. तो इस तरह से हम उसको डिटैच और अटैच इजिली कर लेते हैं. मोरओवर ये जो पी क्यू रेजिस्टेंस है इनको हम बोलते हैं कि ये आर्म्स रेशियो है, ये रेशियो में रहते हैं. आर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, एस जो है वो टू बी मेजर्ड है. मैं लिख देता हूँ तो कुछ पॉइंट लिखना स्टार्ट करते हैं. इट इज अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेजर रेजिस्टेंस विद वेरी हाई एक्यूरेसी. सो अगर आपको कभी एक्यूरेटली मेजर करना है तो आप इसको याद करेंगे. काम चलाओ यानी दैट मीन्स आपको पर्पज फुलफिल हो जाए, उस पर्पज के लिए यूज करना है, देन यू कैन यूज एनी ऑफ द अदर वेज. तो इसको जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि प्रिसाइज हमारे लिए नहीं मैटर करता है, वर्केबल मैटर करता है. सो दिस इज हाउ, दिस इज द पर्पज ऑफ इट. फिर किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन बैलेंसिंग ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज. हम लोग व्हीट स्टोन ब्रिज को बैलेंसिंग करने की कोशिश करते हैं और बैलेंस कर पाते हैं तब हमको रेजिस्टेंस मिल जाता है. तो ये भी उसी पर बेस्ड है. क्या क्या यहाँ पे पता है? पी एंड क्यू आर रेजिस्टेंसेस कॉल्ड हम्स रेशियो. उनको हम लोग आर्म्स रेशियो कहते हैं क्योंकि इनका रेशियो निकालना होता है. एंड आर इज रेजिस्टेंस, ऑफ कोर्स ये सब रेजिस्टेंस है, दैट इज वेरीड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट. जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हो उस मोमेंट पर आप आर को वेरी वेरी करते हो. सो काइंड ऑफ रियोस्टेट टाइप का होता है. इसके आर की वैल्यू को हम चेंज करेंगे. पी और क्यू हमने फिक्स कर दिया, आर को चेंज करेंगे, उसके बाद एस को कैलकुलेट करेंगे, व्हीट स्टोन ब्रिज को यूज करेंगे. लॉजिक बहुत सिंपल है बट प्रिसाइजनेस है बनाना है, ये अपने पे ध्यान देना है. अच्छा, एस हमारा अननोन रेजिस्टेंस है. एस इज अननोन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू आपको पता करनी है. तो जैसे मैंने बोला एक बार एग्जाम में उसने ऐसा फिगर दे दिया था और बोला था कि अननोन रेजिस्टेंस आप कहाँ पर कनेक्ट करोगे, तो आंसर था सी और डी के बीच में कनेक्ट करोगे. और आगे चल करके आपसे इनके नाम भी पूछ सकता है, पी क्यू आर के नाम के एंड ऑल दैट. सिंपल मेंस टाइप आएगा तो सिंपल आएगा. अच्छा, ये तो हुआ इसका अरेंजमेंट. अब इसको हम पावर सप्लाई करेंगे. तो इसको पहले अगर एक बार रीड्रॉ करो तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि चार रेजिस्टेंसेस हमारे पास कनेक्टेड हैं. उन चार रेजिस्टेंसेस को हम कनेक्ट करके देख सकते हैं. तो इसको इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ करने की मैं कोशिश करता हूँ. सो लेट्स सी कि अपने पास 1.8 एक टर्मिनल ए है, यहाँ पर बनाता हूँ. एक टर्मिनल सी है और ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस पी लगा हुआ है. माय गुडनेस, ऐसा भी लग सकता है ये सी है लेट्स से, और यहाँ पर बी बना लो,
यहाँ पर डी बना दो। सो ए और सी के बीच में अपने को एक रेजिस्टेंस चाहिए, ए और सी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, अपने रेजिस्टेंस बी के साथ लगे हैं ना, तो पास में वही बनाएंगे जिसके साथ रेजिस्टेंस लगे हैं। ए बी से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है, तो सी यहाँ पे बनाने का। ए और बी के बीच में कितना कनेक्टेड है, पी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो इसका पी नाम दे देते हैं। बी और सी के बीच में कितना कनेक्टेड है, बी और सी के बीच में जो कनेक्टेड है उसको क्यू नाम दे देते हैं। एंड ए और डी के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम आर नाम दे देते हैं। और फाइनली जो ए और सी और डी के बीच में कनेक्टेड है ये अपना सो जाएगा। तो दिस इज आर, दिस इज एस। नाउ इसके बाद में आपको क्या करना है कि इन दोनों को आप एक बैटरी से कनेक्ट कर दो। सर्किट में इस तरह से ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अब सर्किट कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो चलता है। यहाँ भी स्विच वगैरह लगाओगे तो एक बैटरी लगा दिया। जब आपने यहाँ पर बैटरी लगा दिया और लेट से यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया, अगर आप इस तरह का अरेंजमेंट बनाओगे तो आप देखोगे क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा, सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नजर आ रहा है कि ये दो टर्मिनल के बीच में बैटरी कनेक्टेड है, और अगर ये बैलेंस होगा तो इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर आना चाहिए। और हम P और Q को पता करेंगे इनिशियली, R को चेंज करेंगे जिससे हम S को पता कर लेते हैं। सो इस तरह का अपना एक फिगर बन जाता है। गैल्वेनोमीटर में जिस समय जीरो करंट जा रही होगी, गैल्वेनोमीटर से जिस समय जीरो करंट जा रही होगी उस समय हम कहेंगे कि A और C का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया है और अब ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। आपको दिख रहा होगा मैंने इसको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाया है। यस सर, हाउ कैन इट मेजर सो प्रिसाइजली द रेजिस्टेंस एंड नॉट अदर डिवाइसेस व्हिच आर सिमिलरली बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज? एग्जैक्टली, सो दैट्स व्हाट द मैकेनिज्म इज। और अभी आप एग्जैक्टली वही लर्न करने वाले हो कि ये इसको हम किस तरह से ऐसा यूज करते हैं सो दैट ये एक्यूरेटली मेजर कर देते हैं। वो आपको थिंकिंग में मतलब आपको समझने में काफी हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन उस पर कितना पूछा जाएगा वो डिपेंड करता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ this will be able to measure this as so precisely and others are not. Now others are not, usko pehle answer kar dete hain. Sabhi mein aapko balanced Wheatstone bridge jaisa milta hai, jaise meter bridge mein bhi mila tha, to aap kya bologe, p by q is equal to r by s or something like that. Fir aap bologe r ki s ki jo value aa jayegi, to s ki jo value ho jayegi that can be written as you know what, इसको आप रेसिप्रोकेट कर लोगे तो ऑलराइट पी क्यू बाई पी और ये आर हो जाएगा समथिंग लाइक दैट। तो आपको क्यू पता है, पी पता है, आर पता है, तो ऐसा आ गया। सभी डिवाइसेस यही करते हैं। तो बेटा बिज में भी आपने यही किया। नाउ प्रिसाइजनेस कहाँ पे हैंग कर जाता है वो अभी आपको समझाता मैं। जो गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन है ना वो क्रक्स पॉइंट होता है। Now, ये ब्रेज या फिर कोई और ब्रेज तभी बैलेंस्ड होगा जब हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो शो कर रहा हो, ठीक है? तो ये आप नोट कर लो, समझ लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये प्रिसाइसली कैसे मेजर करता है, क्या मैकेनिज्म चलती है। ये हमारे लिए सर्किट इम्पोर्टेंट है। तो मैं उस कंडीशन से स्टार्ट करता था, इफ, ये इफ बहुत इम्पोर्टेंट है। Wheatstone bridge is balanced, then P by Q is going to be equal to R by S. Check कर लेते हैं, यही जाएगा, P by Q is equal to R by S. Okay, नहीं रहा सर। Okay, अगर ऐसा है तब S की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, S की वैल्यू आ जाएगी लाइक R into Q by P, ठीक है? Now, ये तभी यूज होगा जब ये बैलेंस्ड होगा। अगर बैलेंस्ड नहीं हुआ तो ये नहीं यूज होगा। नाउ अब बैलेंसिंग की बात करते हैं। बैलेंसिंग के लिए गैल्वेनोमीटर होता है हमारे पास, एक डायल होता है गैल्वेनोमीटर में, यू नो दैट, एक नीडल होता है उसके, ये नल पॉइंट होता है, इधर एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यू कैन थिंक ऑफ और दूसरी साइड उसके निगेटिव डिफ्लेक्शन होते हैं।
नाउ अपने पास क्या है पी क्यू आर एस है, पी क्यू को हम लोग चूज करते हैं, मैं एग्जाम्पल से ट्रीट करते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, नंबर्स, नंबर्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड. तो हम लोग क्या करते हैं, जो पी और क्यू है, इनिशियली हम लोग पी को लेते हैं, लेट्स से पी हमारा 10 ओम है और क्यू हमारा भी 10 ओम है. तो ये हमने 10 ओम के लगा दिए कहाँ पर, यहाँ पर. फिर हम आर को बदलना स्टार्ट करेंगे, आर को बदलना स्टार्ट करते हैं. जब आप आर को चेंज करोगे, अब यहाँ पर देखो कि पी और क्यू कितना हो गया, 1:1 रेशियो पे लिया मैंने, तो एस की वैल्यू आ जाएगी आर 10/10, तो आर की वैल्यू के बराबर आ जाएगा. ये कब आएगा, जब वो बैलेंस्ड होगा. नाउ जब आप आर को बदलना स्टार्ट करोगे, यहाँ पे कुछ नोब जैसा होता है, उस नोब को आप रोटेट करते हो तो आर की वैल्यू बदलती रहती है. आर की वैल्यू कैसे बदलेगी, लॉजिक सेंस से समझते हैं. जब आर की वैल्यू आपने कोई लगाया तो हो सकता है कि इसका डिफ्लेक्शन इधर कहीं आ रहा हो, इसका मतलब अभी वो बैलेंस नहीं है. फिर आपने आर की वैल्यू को चेंज किया तो डिफ्लेक्शन इधर आया, इसका मतलब डिफ्लेक्शन कम हुआ है, करंट कम हुई है. फिर आपने और चेंज किया तो ये इधर आया, फिर आपने और चेंज किया तो इधर आया, फिर आपने चेंज किया तो सडनली जीरो को क्रॉस कर गया. अगर उसकी वैल्यू डेसिमल्स में जा रही होगी रेजिस्टेंस की, तो वो एग्जैक्टली जीरो पे जाके नहीं रुकेगा, जीरो के पहले थोड़ा सा चेंज करोगे, जीरो के बाद हो जाएगा. जैसे कि लेट्स से अज्यूम फॉर अ सेकेंड कि अगर आपने आर की वैल्यू, लेट्स से आपने आर की वैल्यू 6 आर की वैल्यू आपने 6 ओम लिया, तो ये लेफ्ट साइड था, एक तरफ था, और फिर आपने आर को चेंज किया 7 ओम कर दिया, तो जैसे 6-7 किया तो ये जीरो को क्रॉस कर गया. क्या ये जो इंडिकेटर था, पॉइंटर था, वो 6 पर एक तरफ था और 7 पर दूसरी तरफ हो गया. इसका मतलब ये जीरो पे तो नहीं गया, सिंस वो जीरो पे नहीं गया, जीरो पे तो तभी जाएगा ना जब एग्जैक्टली एस के बराबर होगा, और हमको पता है एस का तो वैल्यू डेसिमल्स में कहीं लाई कर रहा होगा. तो अगर आपने 6-7 किया तो इसने अपना साइड चेंज किया, जीरो को क्रॉस किया. लेट अगर हम इसको 6-7 ओम करते हैं, देन ये शिफ्ट होता है, पॉइंटर क्रॉसेस ओ, क्रॉसेस ओ, नॉट स्टेज एट ओ. इसका मतलब है कि इसका जो बैलेंसिंग है वो 6-7 के बीच में कहीं हो रहा होगा, कितना हो रहा है अपने को नहीं पता है. इसका मतलब है यहाँ से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बैलेंसिंग तो नहीं हुआ, लेकिन हमको ये जरूर पता चला कि एस की जो वैल्यू है वो 6-7 ओम के बीच में है. आई गेट माई पॉइंट. हमने इसको 1:1 रेशियो में लिया, अगर बैलेंसिंग हो जाता तो जो आर होता वही एस हो जाता, लेकिन हमने आर को जब 6 किया तो जीरो के एक तरफ था स्लाइटली, 7 किया जस्ट एग्जांपल तो दूसरी तरफ चला गया. इसका मतलब एस की वैल्यू 6-7 ओम के बीच में कहीं ना कहीं लाई कर रही है. अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया तो हम एस की वैल्यू 1 ओम के डिफरेंस के इंटरवल में बता पा रहे हैं. अब हम इसी चीज को रिपीट करेंगे, तो पहला ये किया. दूसरा, अब हम पी को 100 ओम लेंगे और क्यू को 10 ओम रखेंगे. सो अगर बैलेंसिंग होता तो ये बनेगा आर 10/100. इसका मतलब ये r/10 बनेगा. लेकिन r/10 कब बनेगा, जब ये बैलेंसिंग होगा. फिर आप क्या करो, नोब को चेंज करो, r की वैल्यू को चेंज करना स्टार्ट करो. जब आपके r की वैल्यू को चेंज करोगे, 5-6 रखोगे तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि 5-6 में बैलेंस करेगा नहीं. फिर उसको बढ़ाओगे. फिर ऐसा होगा कि लेट जब आपने r की वैल्यू 64 किया तो ये जीरो के बिल्कुल क्लोज पहुंचा, लेकिन जैसे ही आपने r की वैल्यू 65 किया तो ये जीरो के दूसरी तरफ पहुंच गया. क्या पॉइंटर. इसका मतलब है कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसकी बैलेंसिंग इन नंबर्स के r के बीच में कहीं लाई कर रही होगी. अगर r हमारा इसके बीच में लाई करता है, अगेन यहां से यहां पे जाने पे वो जीरो को क्रॉस करता है पॉइंटर, तो इसका मतलब हुआ कि दिस विल कंक्लूड, व्हाट इट विल कंक्लूड, कि जो s की वैल्यू होगी वो एक रेंज में लाई कर रही होगी. कौन सी रेंज में, r/10,
दैट मीन्स 64/10 और 65/10 के बीच में लाई कर रहे हो. इसका मतलब इट मस्ट बी समवेयर 6.4 and 6.5. थोड़ा टेंशन दोगे तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, समझ भी आ जाएगा. अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहला एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला था कि 6 और 7 के बीच में है. जब हमने थोड़ा सा चेंज किया यानी पी को 10 टाइम्स बढ़ा दिया तो हम ये बता पा रहे हैं कि 6.4 और 6.5 के बीच में है. अब देखो, इनिशियली हम 1 ओम का डिफरेंस लेके जा रहे थे, एरर के साथ बता रहे थे. नाउ वी आर एबल टू फाइंड इट विद द एरर ऑफ 0.1 ओम. That means we have increased our measurement preciseness by 10 times. Now, अगर आपको ये समझ में आया कि अगर हमने एक चेंज करके 10 टाइम्स एक पॉइंट ऑफ डेसिमल तक पहुंच गए तो क्या हम 2 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक भी पहुंच जाएंगे? Yes. 3 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक पहुंच जाएंगे? Yes. और इसको रिपीट करेंगे जब तक हम एग्जैक्ट वैल्यू तक ना पहुंचे. अभी आप 2 तक गए, 1 पॉइंट ऑफ डेसिमल तक गए 2 एक्सपेरिमेंट में, थर्ड कर दें तो आपको और क्लियर हो जाएगा. थर्ड टाइम क्या करने का, अब आप पी को 1000 लीजिए और क्यू को 10 रखिए. बेसिकली अपने को रेशियो बढ़ाना होता है, 1 मतलब 1 अपॉन में बढ़ाना होता है. जैसे ये 1:1 था तो ये 1:10, 1:100, 1:1000 इस तरह से चलेंगे. तो उस केस में अब आपको एस की जो वैल्यू मिलेगी वो आर डिवाइड बाई 10/1000 आएगा, आर अपॉन 100 आएगा. इसके बाद आप क्या करते हो, आर को बदलना स्टार्ट करते हो. अब आप आर 64 लगाओगे तो वो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा क्योंकि आपको इस डेफिनेशन के हिसाब से. फिर आप आर को बढ़ाते रहोगे. ऐसा आएगा कि जब आपने 6, 4, 8 किया होगा मे बी, इतने ओम पर ये 0 के जस्ट क्लोज था. लेकिन जब आपने नेक्स्ट किया, क्योंकि आर को आप पॉइंट में नहीं बढ़ाओगे, आर को तो नंबर्स में बढ़ाओगे ना, 1 का गैप रहता है. सो नेक्स्ट जो आप आर लगा सकते हो वो 6.49 लगा सकते हो. जब आपने 6.49 लगाया 6.4 6.48 के आस के बाद, तो आपने देखा कि ये फिर से 0 को क्रॉस किया है. इसका मतलब इसका इक्विलिब्रियम या बैलेंसिंग समवेयर बिटवीन इन आर के बीच में मिल रहा होगा. फिर 100 से डिवाइड कर दो. So that will lead to tell, that is going to tell us ki jo S ki value aegi, that must be somewhere 6.48 to 6.49. Now you see ki hum decimal point ke do places tak pahunch gaye aur itna accurately hum bata pa rahe hain. Kya aapko samajh mein aata hai ki agar next time hum jayenge to 3 decimal point tak pahunch jayenge, अगली बार जाएंगे 4 डेसिमल पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे, 6 डेसिमल पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे, एन नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं जब तक एग्जैक्टली 0 नहीं मिलता हमको, जब तक ये पॉइंटर एग्जैक्टली ओपन नहीं जाता है. अगर ये पॉइंटर हमारा 6 के लिए इनिशियली 0 पे पहुंच गया होता तो हमारा आंसर तो वहीं पे हो गया था, बट अगर वहां नहीं पहुंचता है तो हम उसको कैरी करते रहेंगे. सो दिस इज हाउ इट मेजर्स एग्जैक्टली द सेम वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस नो मैटर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस इट गोज टू. जबकि बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या करते हैं, वो उसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं और आंसर बता देते हैं. सो ये मैकेनिज्म एक बार आप और गो थ्रू कर लीजिए, मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ. अगर वी टेस्ट ऑन बेस बैलेंस है तो ये अपने को डायरेक्ट आंसर देता है, बट प्रैक्टिकली बैलेंसिंग के लिए अपने को पॉइंटर को 0 करना होता है. बट पॉइंटर 0 तभी होगा जब एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी, और उसके लिए फिर आप इसको स्टार्ट करते हो, चेक करते हो. आप जब कभी लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करोगे ना तो एग्जैक्टली 0 आना इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट स्टोरी, राइट? और उसको लाने के लिए फिर आप इस तरह से चेंजेस करते रहते हो, बढ़ते रहते हो, और लास्ट में कभी ना कभी 0 आएगा तो अपना आंसर आ जाएगा. ओके सर. यस सर, बट लाइक हाउ कैन वी मेजर सो एक्यूरेटली द पी एंड क्यू रेजिस्टेंस? ओके, दिस पी एंड क्यू आर नोन रेजिस्टेंसेस, इनको किसी ने मेजर करके हमको दिए. वो मैं आपको पॉइंट समझता हूँ कि अगर पी और क्यू में फॉल्ट होगा तो हमारे इसमें भी फॉल्ट आ जाएगा. यस ऑफ कोर्स, वो एरर अगर एक जगह आती है तो एरर उसके उस पैरामीटर को यूज करने में प्रोपगेट होती है, बिल्कुल होती है. अगर हमको किसी ने पी और क्यू प्रिसाइज दिए हैं तो हम इस कैलकुलेशन से प्रिसाइज कैलकुलेट कर सकते हैं. आई मीन लाइक ये जो प्रिसाइजनेस है ये बाकी के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है. और अगर हमने जैसे अभी आप देखो ना, इंटरनल रेजिस्टेंस भी यहाँ पर हमने मेजर किया था, कहाँ पर ये, इसमें भी कैपिटल आर को हमने बारो किया था कहीं से,
तो अगर कैपिटल आर हमारा एरर वाला है तो स्मॉल आर में तो एरर आ जाएगी, इजंट इट, तो वो एरर चलती है। लेकिन अगर हमको उस एरर को हम एक्सेप्ट कर लें जो हमारे पास अवेलेबल स्टोरीज हैं, क्या उसके बाद आगे एरर आना हमने स्टॉप कर दिया, तो पी और क्यू में जो एरर थी उसकी वजह से तो एरर आएगी, लेकिन जो हमने यहाँ पर मेजरमेंट्स किए हैं उसकी वजह से कोई एरर इंट्रोड्यूस नहीं हुई है और उसने पहले से आने वाली एरर्स को बढ़ाया नहीं है। क्योंकि आप जानते हो जब कभी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो एरर्स बढ़ती है, प्रोपोगेट होती है। सो दिस इज एक्यूरेट इन मेजरमेंट बिकॉज दिस इज नॉट एडिंग एनी एरर कमिंग इन। और अगर आपके इनिशियली मेजर्स रेजिस्टेंसेस प्रॉपर हैं तो हमारा आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। और फिर आप डिबेट करोगे तो फिर आगे भी ये स्टोरी होती है कि लाइक देयर इज नथिंग, लाइक कि हम एब्सोल्युटली किसी को मेजर कर नहीं पाते हैं, इट्स लाइक रिलेटिवली हम कितना अच्छा मेजर करते हैं। सो यू नीड टू फील कि ये रिलेटिवली काफी अच्छा मेजर करते हैं। यस पर वो वायर में भी तो रेजिस्टेंस होगा वो। हां वही वही बहुत सारी चीजें होती हैं, दैट्स व्हाई आई एडेड द लास्ट स्टेटमेंट कि देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्युटली, एब्सोल्युट तो कुछ होता भी नहीं, एरर्स तो रहती है। बट रिलेटिवली सपोज कर लीजिए कोई इसको 6 ओम बोलता और कोई इसको 6.4 बोलेगा तो 6.4 इज अ बेटर आंसर। व्हाई? बिकॉज क्योंकि इसमें 0.1 का एरर जा रहा है जबकि इसमें 1 ओम का एरर जा रहा है, तो ये 10 टाइम बेटर है। फिर आप इधर आ गए तो ये उससे भी 10 टाइम बेटर है, और आगे चले गए तो उससे भी 10 टाइम बेटर है। तो हम हायर लेवल की प्रिसाइजनेस की बात कर लेते हैं। एब्सोल्युटली प्रिसाइज क्या होगा तो उसके लिए तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, करंट पे, हमारा ये इंस्ट्रूमेंट कितना एक्यूरेट है, हो सकता है उसका जो नीडल है या जो पॉइंटर है वही सही से रिस्पॉन्स ना कर रहा हो, लाइक उसके अपने खुद के रेजिस्टेंसेज हैं क्योंकि वो रोटेट होता है ना, तो मैकेनिक्स को लगाओ, उसके रोटेशन में इशूज आ रहे होंगे, फ्रिक्शन आ रहे होंगे, तो अगर वो एक्स अमाउंट का शिफ्ट होना चाह रहा होगा फ्रिक्शन उसको एक्स से कम शिफ्ट करेगा। सो देयर आर इनफाइनेटली मैनी टाइप्स ऑफ इशूज, बट यस जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन है ये बोल सकते हैं। आपने देखा पर वो एस शेप का ही क्यों लिया, आई डोंट नो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड क्यों ऐसा लिया। ये बहुत पुराना आउटडेटेड डिजाइन है, बहुत पहले यूज होता था, क्योंकि अब आजकल लोग क्या होते हैं ना कि प्रिसाइजनेस पे उतना फोकस नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है कोई एब्सोल्यूट प्रिसाइज नहीं होता है, बस रिलेटिवली थोड़ा सा भी प्रिसाइज होगा तो चलेगा, इसलिए ये बहुत वाइडली यूज नहीं होता है। दिस इज नॉट यूज वेरी वाइडली, हेंस इट इज नॉट बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन सो फ्रीक्वेंटली। तो एग्जाम में बहुत ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली यूज पूछते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल में इसका यूज नहीं है। बट यस एज अ थ्योरी, एज अ कॉन्सेप्ट, एज एन इंस्ट्रूमेंट ये एग्जिस्ट करता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को समझना है। एस लेटर क्यों यूज किया है, probably in fact I don't know what was the reason, it was just a design they created like this, aur usi design ko log aaj copy paste karte hain aur batate hain ki aisa post office box hai, aur aapko bhi I would suggest ki aap bas just have an idea ki aisa hota hai, aap chaho to isko aage chal kar ke change kar sakte ho, uska shape badal sakte ho, usme kuch aur add kar sakte ho aur aisa beautiful bana sakte ho ki aaj bhi janta usko use karna start kare, so wo baat ki baat hai। आपने लिखा कुछ फिजिकल रीजन है क्या, मे बी कुछ रहा हो, उसके ज़्यादा डिटेल्स में लोग जाते भी नहीं है, और टू बी प्रिसाइज, टू बी ऑनेस्ट मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ, बस इतना ही अब मेरे को आइडिया है कि ये कैसे फंक्शन करता है, क्या पर्पस रहा होगा, ना कभी मैंने देखा है लाइफ में अभी तक प्रैक्टिकली, क्योंकि आप लेबोरेटरीज में जाओगे ना इंस्टीट्यूट्स में भी जाओगे तो मिलता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में नहीं है। बट अगर आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो, फिर उसके जब इनसाइट को ओपन करोगे तो पता चलेगा कुछ रीज़न तो रहा ही होगा। कैन यू एक्सप्लेन दिस फोटो एंड दिस नंबर्स, ये जो फोटोज़ और नंबर्स है वो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए है, मैंने बोला ना ये आउटडेटेड स्टोरी है, तो पहले हमारे लिए रेजिस्टेंस को चेंज करना एक बड़ी कहानी हुआ करती थी, सो उसके लिए एक कॉम्प्लेक्स तरीके का अरेंजमेंट रहता था। अब हमारे पास रियल स्टेट होते हैं, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, हम रेजिस्टेंस को इजीली चेंज करते हैं। सो इसके डिज़ाइन में अभी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया जब से बना हुआ है। सो आप उसके बारे में अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो आप उसको गूगल कर सकते हैं, जान सकते हैं। एग्जाम के लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ इट लुक लाइक, एग्जाम में पूछेगा तो यही पूछेगा क्योंकि दिस इज द ओनली डिज़ाइन दैट वी एक्सेप्ट। कहाँ कनेक्शन करते हैं,
किस पर बेस्ड है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. अब देखो कि इन रिसेंट टाइम्स इतने एडवांसमेंट होते हैं जो बहुत बल्कि चीज़ें हुआ करती थी, बहुत मिनिएचराइज्ड हो गई, हैं, छोटा हो गया. तो उस समय रेजिस्टेंस को सर्किट के में यूज़ करने के टाइम पे वैरी करना बहुत चैलेंजिंग काम था. तो वो जो बटन्स वगैरह लगाए गए उसी पर्पज़ के लिए लगाए गए. कैसे फंक्शन करता है, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, आई हैव नेवर यूज्ड इन प्रैक्टिकल लाइफ. और आप भी नॉर्मली यूज़ नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आप इंटरेस्टेड हैं, आप उस पर फोकस करना चाहते हैं, तभी आपको मिलेगा वो. वो अपने काम का भी नहीं है. सो आपका अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हो तो आप गो थ्रू कर सकते हो, चलेगा. सो दिस वर योर इंस्ट्रूमेंट्स जो काम के थे, वो आप लोगों ने कवर अप कर लिया. एंड लास्ट में एक पॉइंट बचा हुआ है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. अपने पास टाइम भी है सो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कोई कंसर्न हो तो आप पूछ सकते हो, मैं उसको एलेबरेट कर दूँ. और नहीं है तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम बैटरीज को सेल्स को इक्विवेलेंट बैटरी में कन्वर्ट करते हैं. जैसे आपने रेजिस्टेंसेस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट किया, कैपेसिटर्स को इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स में कन्वर्ट किया, सिमिलरली हम बैटरीज को भी सेल्स को भी इक्विवेलेंट सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा. द ओनली थिंग कि सर्किट को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वही किरचॉफ्स लॉज हैं, बट एक बार पढ़ लेते हैं. सो दैट्स गोइंग टू बी नोन एज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और बैटरीज. बैटरी और सेल में क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बताया है. बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स. तो एक सेल की बैटरी भी हो सकती है, मल्टीपल सेल्स की बैटरी भी हो सकती है. नाउ बैटरीज और सेल्स को हम कनेक्ट करके इक्विवेलेंट निकालना चाहेंगे, जैसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स को निकाला था. किस तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, बैटरीज को हम अलग अलग ईएमएफ के अलग अलग इंटरनल रेजिस्टेंस के भी यूज कर सकते हैं, और आइडेंटिकल बैटरीज को यूज कर सकते हैं. तो सिंपल केस के लिए हम लोग समझेंगे कि आइडेंटिकल बैटरीज को यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं. अगर वो आइडेंटिकल नहीं होगा तो आइडिया हमारा एग्जैक्टली वही रहेगा, आप उसको एज अ सर्किट सॉल्व कर सकते हो कभी भी. सो लेट एन identical cells each of EMF E and internal resistance, ये real batteries हैं, are connected इन सीरीज. सो आपके पास एन नंबर, टाइम कम है थोड़ा सा क्विक हो जाते हैं, एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स है जिनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं, उनको आपने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. सो कुछ ऐसा रहेगा, एक सेल, दूसरा सेल, नेक्स्ट सेल, उसके बाद एक अगला सेल, और ये एन नंबर हो गए. और इसका EMF E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है. इतनी सारी बैटरीज लगा रखी हैं आपने, इनका इक्विवेलेंट दैट मींस इन सबको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल बैटरी से और सेल से, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगी. इसका जो इक्विवेलेंट EMF आएगा उसको E इक्विवेलेंट लिखेंगे, R जो आएगा उसको R इक्विवेलेंट लिखेंगे. सो इफ देयर आर एन नंबर ऑफ बैटरीज कनेक्टेड इन सीरीज, दे आर आइडेंटिकल और इस तरह से कनेक्टेड है, सबकी पोलैरिटी सेम है, प्लस पहले है माइनस बाद में, प्लस पहले है माइनस बाद में. सो या फिर आप में माइनस प्लस भी होगा तब भी हम लोग कर सकते हैं. तो फिर ये चलेगा. कैसे कैलकुलेट करना होता है मैं आइडिया बताता हूँ, बाकी सारे केस आप एग्जैक्टली उसी तरह से करोगे.
आप एक सर्किट लगाओ, सर्किट बना लो, तो इसको आप एक लोड से कनेक्ट कर लो। जैसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम बैटरी से कनेक्ट करते थे, अब ईएमएफ निकालने के लिए हम लोड से कनेक्ट करेंगे, रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे। ये आर है एक्सटर्नल, और आप देखो कि इससे कितना करंट जा रहा है। इक्विवेलेंट केस में सेम करंट शुड बी डिलीवर्ड टू सेम लोड, उसको हम लोग इक्विवेलेंट कहते हैं, दैट्स ऑल। अब वो प्लस माइनस कैसे अरेंज करता है, क्या करता है, वो हम इजिली सॉल्व कर लिया करेंगे। क्या करेंगे, इसको किरचॉफ से सॉल्व करेंगे, इसको किरचॉफ से सॉल्व करेंगे, दोनों को रिलेट कर लेंगे, आई आई कैंसिल कर देंगे, आर आर कैंसिल कर देंगे, अपना आंसर हो जाएगा। ये आर रहेगा, ये आर है तो ये भी आर रहेगा, इक्विवेलेंट नहीं। ये आइडिया देता है, अगर आप इस आइडिया को समझते हो देन डन। नाउ इसके लिए किरचॉफ इक्वेशन लगा दो, अगर ये आई जाएगा तो ये सारे ईएमएफ ऐड अप हो जाएंगे, कितने टाइम से ऐड अप होंगे, एन टाइम से ऐड अप होंगे, एन ही हो जाएगा। लेट से ये प्लस है आर है, ये माइनस आर होगा, ये प्लस आर होगा, ये माइनस आर होगा, तो एन ई इसका टोटल ईएमएफ हो जाएगा इज इक्वल टू, उस साइड आपको क्या मिलेगा, आई आर यहाँ से प्लस आई स्मॉल आर, स्मॉल आर क्या टाइम, कितने टाइम मिलेगा, एन टाइम्स मिलेगा। आप इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे आई आर माइनस ई, आई आर माइनस ई, आई आर माइनस ई करोगे एन टाइम्स, और माइनस ई वाला एक तरफ ले जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगी, यहाँ पर इक्वेशन बनाओगे तो ये बन जाएगी ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट। कंपेयर कर लो दोनों इक्वेशन को, व्हेन यू कंपेयर द टू इक्वेशन टुगेदर यू विल फाइंड कि हमको इक्विवेलेंट पता चल गया, ई इक्विवेलेंट हाउ मच है, ई इक्विवेलेंट इज एनी, एंड यू ऑल्सो गॉट कि आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट इज गोइंग टू बी एन आर, दैट्स डन। सो अगर सीरीज में बैटरीज कनेक्टेड होंगे तो उसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, एन ई, आर इक्विवेलेंट एन आर, दैट्स डन। सो ये तो आपको समझ नहीं है, साथ में साथ ये समझना है, तो जब कोई बहुत सारे बैटरीज कनेक्टेड हो उनके अक्रॉस आप एक रेजिस्टेंस लगाओ, किरचॉफ इक्वेशन लगाओ और इस तरह की एक इक्वेशन सेटल करो, फिर इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, उसके लिए इक्वेशन बनाओ, दोनों को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने से अपने को पता चल जाएगा कि एन इक्विवेलेंट कितना आ रहा है और आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है। सपोज करो इसमें कुछ बैटरीज के अगर मैंने पोलैरिटीज बदल लिए होते तो जब आप इसको लिख रहे होते तो आपको ध्यान में रहेगा कि कब हम ऐड करते हैं, कब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये नंबर हमारा चेंज हो जाएगा, ये नंबर अभी भी ना चेंज होगा, क्योंकि एन आर जो आता है वो करंट की डायरेक्शन से आता है, बैटरी की पोलैरिटी से नहीं। तो आर इक्विवेलेंट तो यही रहेगा सीरीज केस में, ई इक्विवेलेंट बदलता रहेगा डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में बैटरीज का या सेल्स का इक्विवेलेंट होता है। अच्छा ये तो हुआ, सब आइडेंटिकल थे, नॉन आइडेंटिकल रहे होंगे तो हम लिखेंगे ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, आर की जगह लिखेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, एन तक काम हो जाएगा। सो इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना सीरीज पैरेलल के लिए, सीरीज के लिए अपने को समझता है, पैरेलल के लिए बता देते हैं क्विकली, पैरेलल भी उतना ही ईजी है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, सो अगर एन आइडेंटिकल बैटरीज को आपने पैरेलल में लगा रखा है तो पैरेलल में पोलैरिटी चेंज नहीं करेंगे, वरना इश्यू बनता है वो आप जानते हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहना चाहिए। तो उसमें वो क्या करेगा कि सेम पोलैरिटी की बैटरीज लगाएगा, पॉजिटिव एक तरफ रहेंगे। तो इस तरह से लगा रखे, जैसे ये ई है, आर है, दिस इज ई आर, दिस इज ई आर, दिस इज ई आर, अगेन लेट से ये एम आइडेंटिकल है, एम आइडेंटिकल सेल्स हैं। सो अगेन अगर इसका इक्विवेलेंट अपने को चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके अक्रॉस एक लोड लगा देंगे, रेजिस्टेंस, देखेंगे कि लोड पर कितना करंट ये सप्लाई कर पा रहा है, और इक्विवेलेंट भी हमारा वही काम करना चाहिए। सो दिस इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू दैट सर्किट, कि अगर अपने पास एक बैटरी हो, एक रेजिस्टेंस हो, सेम लोड हो, सेम करंट उसको मिलना चाहिए, तो ये जो बनेगा वो इक्विवेलेंट बनेगा, और ये जो बनेगा आर इक्विवेलेंट बनेगा।
अगेन यू कैन यूज द किरचॉफ लॉज टू हैंड टू फाइंड दीज वैल्यूज. कैसे यूज करेंगे वो मैं समझाता हूं आपको. अब देखोगे कि सब आइडेंटिकल हैं, सब आइडेंटिकल हैं तो सबसे बराबर बराबर करंट आएगी, सबसे इक्वल करंट आएगी. टोटल कितनी आ रही है I, टोटल कितने ब्रांचेस हैं M, तो कैन वी से कि इससे आने वाली करंट I बाई M होगी, क्योंकि सभी से आकर के टोटल ये बनी होगी. इससे भी कितना करंट आएगा I बाई M. हाउ मच दिस विल सप्लाई I बाई M, हाउ मच दिस विल सप्लाई I बाई M, M इज द टोटल नंबर ऑफ दिस सेल्स. तो आप इसके लिए किरचॉफ लगा दो, काम हो गया. ये यहाँ से अगर I बाई M आया तो यहाँ से भी I बाई M ही गया होगा, यहाँ से I गया होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा. लूप स्लो लगा दो, एक लूप में लगाओगे काम हो जाएगा. क्या बनेगा लूप स्लो, छोटी वाली लूप पे लगा रहे हैं आप, किसी एक में लगाओ चलता है. सो अगर आप यहाँ से प्रोसीड करते हो तो ये प्लस माइनस तो रहा ही होगा आपका, आई आ रहेगा माइनस, ये प्लस में आएगा क्योंकि हम प्लस से माइनस में एंट्री कर रहे हैं. तो आई बाई एम इंटू आर माइनस ई इज इक्वल टू जीरो, सिंप्लीफाई कर लेते हैं और यह ऐसे ही रहने देते हैं, चलता है. इसके लिए किरचॉफ लॉ लगा लो, इसका प्लस माइनस और माइनस प्लस आपको दिख रहा है. सो दिस विल बी रिटन एज आई आर प्लस आई आर इक्विवेलेंट माइनस ई इक्विवेलेंट इक्वल टू जीरो. कंपेयर कर लो दोनों को. व्हेन यू आर गोइंग टू कंपेयर देन यू विल फाइंड कि आई आर बराबर जा रहे हैं, आई आई बराबर है, इसको आर इक्विवेलेंट क्या रहा होगा, आर बाई एम रहा होगा. So R equivalent turn out to be R by M, and equivalent कितना आया, equivalent E आया. So when you connect them in parallel combination, EMF will remain the same. That means same as each of the cell. However, resistance will be R by M, just like parallel में बन जाता है. हो गया. So ये parallel combination हो गया. Now, अगर इसमें आइडेंटिकल ना होकर के अलग अलग रहे होते तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको आई वन बोलते हैं, आई टू बोलते हैं, आई थ्री बोलते हैं, आई एम बोलते हैं, फिर किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं, अकॉर्डिंगली सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनता है, दैट्स ऑल. सो ये अपना आइडिया होता है. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईएमएफ वही रहता है, रेजिस्टेंस आर बाय एम हो जाता है. सारी बैटरीज को एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो. सीरीज केस में ईएमएफ ऐड और सब्ट्रैक्ट होते हैं और रेजिस्टेंस एन टाइम्स हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस सीरीज में एड अप होता है. तो यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो सीरीज जैसा काम कर रहे हैं, एज ए बैटरी है ही नहीं. यहाँ पर भी रेजिस्टेंस पैरेलल जैसा काम कर रहा है, एज ए बैटरी है ही नहीं. बैटरी पैरेलल में सेम पोटेंशियल देता है और सीरीज में एड अप होता है, सब्ट्रैक्ट होता है. तो ये हो गया आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन. इसके बाद बचता है सीरीज पैरेलल का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल सेल्स के लिए, नॉन आइडेंटिकल सेल्स के लिए. ये छोटा सा पॉइंट है, वो मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि आपको आपका टाइम भी हो गया, उसके लिए हमको 15 to 20 मिनट्स चाहिए होंगे. और उसके साथ साथ एक थ्योरम है, मैक्सिमम पावर थ्योरम, जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसी से लिंक है, उस पर क्वेश्चन बनता है, एक दो बार पूछा गया है. तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे. दैट विल बी द लास्ट पॉइंट विच इज गोइंग टू मिक्स कॉम्बिनेशन. और इसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा, एक दो माइनर पॉइंट्स रहेंगे तो हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे, पढ़ लेंगे. और टेस्ट है भी आपका, टेस्ट के बाद फिर हम लोग मैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे. सो कल के लेक्चर के लिए, कल सैटरडे प्रोबेबली, यस टुमारो वी विल हैव अ लेक्चर, एंड टुमारो आपके पहले डाउट्स को प्रायोरिटी दे देंगे और टुमारो ही हम लोग इसको फिर खत्म कंप्लीट कर लेंगे क्योंकि अपने को 20 मिनट्स के अप्रॉक्स चाहिए. सो आपके डाउट्स प्लस कॉम्बिनेशन, मिक्स कॉम्बिनेशन कल कंप्लीट करते हैं. डाउट्स में मॉड्यूल और डीपीपी दोनों चलेगा. ओके, एनी कंसर्न, एनी डाउट, इफ एट ऑल यू कैन आस्क क्विकली, अदरवाइज इट्स डन फॉर द डे. सर.